कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं के विशेष सत्र के दौरान भाषण तो कई हुए, पर सुर्खियां बटोरी समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने। उनके भाषण का अंदाज ही कुछ ऐसा था, उन्होंने बातें कुछ ऐसी गहरी कहीं कि विरोधी खेमे के विधायक भी उनके भाषण पर मेज थपथपाते नजर आए। रागिनी का यह भाषण अब वायरल हो चुका है। नवभारत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर ही अब तक उनका भाषण 10 लाख से ज्यादा बार देखा सुना जा चुका है। तो कौन है रागिनी सोनकर? डॉक्टरी कर रही थी तो राजनीति में कैसे आ गई? आइए आपको उनके बारे में सब कुछ बताते हैं। जौनपुर से विधायक हैं रागिनी सोनकर। रागिनी जौनपुर की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। वाराणसी की अजगरा सीट से विधायक रहे कैलाश सोनकर की बेटी हैं। रागिनी के पति भी डॉक्टर हैं, नाम है डॉक्टर संदीप, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। एम्स से की है डॉक्टरी की पढ़ाई। राजनीति में आने से पहले रागिनी सोनकर दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में काम किया करती थी। वहां पर वो नेत्र विभाग में अहम पद पर थी। दिल्ली के एम्स से ही उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी की है। अखिलेश ने जताया भरोसा। रागिनी भले ही डॉक्टर हैं, पर पिता के राजनीति में होने की वजह से उनका रुझान भी राजनीति की ओर था। इस साल जब विधानसभा चुनाव हुए तो रागिनी ने समाजवादी पार्टी से अपनी सियासी पारी शुरू करने का फैसला कर लिया। खास बात यह रही कि अखिलेश यादव ने भी उन पर भरपूर भरोसा जताया। चार बार के विधायक का कटा टिकट। रागिनी सोनकर को टिकट देने के लिए अखिलेश यादव ने अपने करीबी और चार बार के विधायक का टिकट काट दिया था। शैलेंद्र यादव ललई इस सीट से दावेदार थे, लेकिन अखिलेश से नाराजगी के कारण उनका टिकट कट गया और रागिनी ने बाजी मार ली। रागिनी ने बड़े अंतर से जीता चुनाव। रागिनी को आखिरी वक्त में मछली शहर से टिकट दिया गया। उन्होंने 90,000 से ज्यादा वोट हासिल करके विधानसभा चुनाव जीता। जौनपुर जिले में 9 विधानसभाएं हैं। रागिनी जिले की अकेली महिला विधायक हैं। सड़क से सदन तक रागिनी रहती हैं एक्टिव। विधायक बनने के बाद रागिनी सोनकर काफी एक्टिव नजर आती हैं। अपने इलाके में वो एक लोकप्रिय राजनेता के तौर पर जानी जाती हैं। सड़क से लेकर सदन तक उनकी एक्टिविटी लगातार देखने को मिलती है। विधानसभा में भाषण से लूटी महफिल। रागिनी सोनकर ने गुरुवार को यूपी असेंबली के महिला स्पेशल सत्र में हिस्सा लेते हुए जोरदार स्पीच दी। इस दौरान उन्होंने महिला सरोकारों से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अपने भाषण में राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, देश का विकास तभी होगा जब देश में नारी का विकास होगा। रागिनी ने कहा कि भारत में सिर्फ 9% महिलाएं जन प्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व कर रही हैं, जबकि दुनिया के विकसित देशों में यह आंकड़ा 30% तक है। ऐसे में विकसित देश बनने के लिए भारत में महिलाओं को और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।